जय येसु, प्रभु येसु के सामर्थ्य व नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 142वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हम सामूएल के दूसरे ग्रंथ के 16-17 अध्यायों पर है, साथ साथ स्तोत्र संज्ञा 100 और कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र संत पौलुस का अध्याय 9। हालेलुया। 16वां अध्याय सामूएल के दूसरे ग्रंथ में हम राजा दाऊद को महल छोड़कर भागते हुए, कारण उसका बेटा अब्सलोम का षड्यंत्र और राजा विप्लव है, वो सब हम देख चुके हैं। और वहाँ इसलिए घर छोड़कर भागना अच्छा समझा। भागते समय जैतून पहाड़ी की चोटी पार करने के बाद जब आगे बढ़ रहे थे यरदन की ओर, उस सफर में पहाड़ी से यानी जैतून पहाड़ से यरदन तक के बीच में दो लोगों से उनका मिलन हो रहा है, उसके विषय में इस अध्याय में लिखे हैं। पहला व्यक्ति का नाम है सीबा, वो मफीबोशेत का सेवक था। मफीबोशेत को हमने पहले देख चुका है, योनातन का बेटा जो पैर से अभंग था, चलना मुश्किल था। उसके साथ दाऊद ने दया किया और राजमहल में उनको रहने दिया था, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। और उसको सेवक के रूप में सीबा को सब राजा ने नियुक्त किया था। और वही सीबा आज बड़े प्रबंध या प्रावधानों को लेकर काफ़ी सामान सामग्रियाँ और कई गधे पे भरते हुए आए, बहुत आदर सम्मान, प्यार और इतने सामान लेके आए। जबकि दूसरा एक व्यक्ति को हम आगे वचन 5 से मिलते हैं, वहाँ पर जब दाऊद बहुरीम पहुँचा, साउल के वंश का यानी बेन्यामिन वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो गेरा का शिमई नामक पुत्र था। वो कोसते हुए नगर से निकला, दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था और बहुत श्राप दे रहा था, हत्यारे, नीच, इस तरह सब उनको कोसते जा रहा था। तो दो लोग, एक से आदर, दूसरे से श्राप और तिरस्कार। लेकिन वास्तव में इन दोनों में किसने दाऊद की मदद की है? हालेलुया। पहली बार जब पढ़ेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा ये सीबा का व्यवहार। जब जरूरत थी दाऊद के जीवन में, तब सारे सामान सामग्रियां खरीद कर सारे प्रावधान के साथ आए। लेकिन दूसरे के बारे में हमको लगेगा ये श्राप देने वाला, गाली गलौज, पत्थर फेंकता था दाऊद के ऊपर। तो जरूर हमको लगेगा कि सीबा के द्वारा आशीर्वाद मिली और ये शिमई उसको मार डालना था और उसके द्वारा इतने श्राप मिल रहा है। लेकिन और निकटतम रूप से इसको पढ़ने से आगे भी जब पढ़ेंगे हम, तब हमको समझ में आएंगे वास्तव में दाऊद को सीबा के द्वारा नहीं, बल्कि जो श्राप देने आया उसी के द्वारा आध्यात्मिक वरदान प्राप्त हुआ, आशीर्वाद। वास्तव में सीबा के द्वारा दाऊद को नुकसान ही हुआ। हालेलुया। कारण सीबा जो प्यार प्रकट किया, बहुत चापलूसी का कार्य था। वास्तव में ये अपने प्यार के पीछे और कुछ छिपाया था, उनके वास्तविकता कुछ और थी। ये जो दिखा रहा था वो कपटी व्यवहार था, इसका प्यार सच्चा नहीं था। वास्तव में अपने स्वार्थी व्यवहार, कुछ योजना उसने छिपाए थे। दाऊद के साथ बड़ा प्यार दिखाते हुए उसने धीरे से मफीबोशेत की कुछ बुराई की, झूठा आरोप लगाया कि उसने बताया जब दाऊद ने सीबा से अपने तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं,
यानी स्वामी का पुत्र यानी साउल का बेटा, साउल का बेटा योनाथन का बेटा जो है मफीबोशेत, उसके बारे में पूछा। उसने क्या कहा? वो यरूशलेम में रह गया है। उसका कहना था कि आज इसराइल के वंशज मुझे अपने पिता का राज लौटा देंगे, मतलब दाऊद के जगह में वो राजा बनना चाहता है। इस तरह की बातें दाऊद के सामने रख दिया। वास्तव में ऐसा नहीं था, बाद में हम देखते हैं। तो तुरंत जैसे दाऊद ने उसको सुना, दाऊद ने एक फैसला बता दिया। राजा ने सीबा से कहा, देखो अब मफीबोशेत की सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हारी हो गई है। सीबा ने उत्तर दिया, मैं आपके पांव पड़ता हूं मेरे स्वामी राजा, मैं हमेशा के लिए आपकी दृष्टि में आपका कृपा पात्र बना रहा हूं। यह सब चापलूसी थी, वो जो चाहता था उसको मिल गया। वास्तव में क्यों यह सब प्यार प्रकट करता था? राजा के प्रति सच्ची भक्ति नहीं थी, बल्कि अपनी अपना प्यार था। वो संपत्ति चाहता था, उसी के लिए चापलूसी करता था। देखिए प्रियजनों, अनेक लोगों के प्यार के पीछे उनका कुछ निजी मकसद हो सकता है, हिडन एजेंडा, सेल्फिशनेस। और वास्तव में अपने स्वामी मफीबोशेत के प्रति वो निंदा कर रहे हैं, उनके प्रति मन में क्रोध रख रहे हैं। वो बेचारा पैर से अभंग है, उनकी बुराई करते हुए कितना घातक, कितना बुरा कार्य ये आत्मी कर रहे हैं। भले ही भला आत्मी दिखता है बाहर से, अंदर बुराई, लेकिन दाऊद इनकी सच्चाई को समझ नहीं पाए और एक फैसला बता दिया। इसलिए प्रियजनों, एक अच्छे आदमी को चाहिए, यानी प्रभु भक्तों को चाहिए कि पास में आने वाले लोगों की चापलूसी में सब ना गिरे। जब तक दोनों पक्ष के लोगों से सुनता नहीं है, एक पक्ष में फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। लेकिन दाऊद यहाँ पर पराजित हो गया, सीबा के कपट प्यार को पहचान नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन दूसरा व्यक्ति, उसका नाम है शिमई, जो बराबर दाऊद को गाली दे रहा था, श्राप दे रहा था, कोस रहा था, चिल्ला रहा था, पत्थर उठा के फेंक रहा था, कह रहा था तू हत्यारे, तू नीच है, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है, इस तरह पूरा बदनाम कर रहा था, गंदी बातें बता रहे थे। तब दाऊद के साथी अभिषय, जो सरूया के पुत्र है, सरूया दाऊद की दीदी, और उनके पुत्र है योआब, अभिषय सब। तो अभिषय ने दाऊद से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे, इसी वक्त मैं उसे दो टुकड़ा कर दूंगा। लेकिन राजा ने क्या बोला? वचन 10, सरूया के पुत्र से तुमको क्या, यदि वो इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। वचन 11-12, हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। प्रियजनों, कितनी सुंदर बात अब इसने बताया। गाली गरौज के सामने उसने अपनी शांति खो नहीं बैठे। जब कोई गाली दे रहे थे, ये क्रोध में नहीं आया, बुराई के बदले बुराई अब नहीं कर रहे, बल्कि उसने कहा क्षमा कर दो, शायद उनके द्वारा प्रभु बोल रहा है, प्रभु मुझे कोस रहा है मेरे पाप के लिए, शायद मुझे पछतावा करे, मैं अपने को विनम्र बनाऊंगा, प्रभु मुझ पर दया करेगा और ये शाप को आशीर्वाद में बदल देगा। हालेलुया। जब बुराई हुई उनके साथ, जब गाली गरौज हुई, उस समय दाऊद आध्यात्मिक दृष्टि से इस घटना को देख रहे हैं, जो कि जब प्यार भरा व्यवहार, बड़े चापलूसी भरी व्यवहार जब हुई, उस समय ये आध्यात्मिक चीज उनका काम नहीं किया। उस समय प्यार जब मिले और चापलूसी जब हुई, उस समय उसने जो फैसला सुनाए
जो जजमेंट उनके मुंह से निकले वो गलत थी, लेकिन अब जब सताया जा रहा है, जब कुछ निंदा हुई, उस समय ये जो फैसला ले रहे हैं बहुत सुंदर फैसला। नए विधान में प्रभु ईसा मसीह की ओ ईसा मसीह का मन दाऊद पे अब हम देख सकते हैं। काली के बदले काली नहीं, श्राप के बदले श्राप नहीं, बल्कि उस श्राप को भी अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करते हैं। जो निंदा यहाँ पर हुई है उनसे उसको स्वीकार करते हैं और प्रभु के सामने विनम्र बन रहे हैं और बोलते हैं इसी को प्रभु भलाई में बदल डालेगा। ऐसा ही हुआ। प्रभु जब इनको वापस लेकर जा रहे थे राजा को अब्सलोम की मृत्यु के बाद, उस समय यही समय हजार लोगों को लेके बेनियामिन के हजार लोगों को लेके स्वागत करने के लिए आया और उस समय माफ़ी मांगा, मुझसे गलती हुई, माफ़ी मांग रहे थे। देखिए किसी के व्यवहार जो प्रभु को पसंद आता है उनके शत्रु को भी प्रभु मित्र बना देता है, वचन में लिखी बात है। हालेलुया। इसलिए ये दो व्यक्ति जो मिलने आए, किसी से प्यार मिला, किसी से अनादर मिला, किसी से आदर सम्मान, किसी से गाली गलौज और निंदा। लेकिन दाऊद पहले व्यक्ति के पास हार गया, दूसरे व्यक्ति के पास जो जीत गया। वास्तव में हम लोगों को इससे कुछ शिक्षा मिलते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे, लेकिन शायद प्यार लेके आने वाले लोगों से ज्यादा दुख लेकर आने वाले लोगों से आध्यात्मिक लाभ होगा। हालेलुया। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और सावधान रहनी चाहिए जो प्यार और चापलूसी भरा व्यवहार के पीछे कुछ और चीज छिपे हुए होंगे। लेकिन गाली गलौज में छिपी हुई चीज क्या है? आशीर्वाद, दुख में महिमा छाई हुई है। और प्रभु ने इसलिए कहा अंधकार में छिपे खजाना मैं दूंगा। इसलिए निराश नहीं होना। जब भी कुछ दुखमय बातें किसी से हमको होती है, उस समय हमको दाऊद के ये शब्द हमारी मदद कर सकते हैं। शायद प्रभु की प्रेरणा होगी, उनको प्रभु की प्रेरणा से ऐसा करता हो तो मैं विनम्र बनाऊंगा, प्रभु भलाई में बदल डालेगा, यही बात है बस। और उनको मार डालने के लिए जाने से फायदा नहीं है। हालेलुया। फिर भी दाऊद में प्रभु ईसा मसीह के एक छलक केवल है, पूर्णता नहीं है। भले ही हम पर उसने क्षमा किया, बाद में हम देखेंगे कि दाऊद इस बात को पूर्ण रूप से भुला नहीं पाए। क्षमा तो दिया यहां पर, लेकिन भूल नहीं गया था पूर्ण रूप से। बाद में मरने के पहले इस बात को थोड़ा सा लेके आते हुए हम उसको सुनेंगे, बाद में हम लोग सुनेंगे। लेकिन अब संदेश हमारे सामने है, भलाई लेकर कोई आए, किसी ने बुराई लेके आए, लेकिन वास्तव में कौन सी चीज उनकी मदद की है अब हमने देखा। इसलिए हमारे जीवन में भी अचानक किसी के द्वारा तकलीफ या दुख मिलता है, उस समय ये हमारा शत्रु है, इसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत विपत्ति आई है, कभी सोचना नहीं, शायद आशीर्वाद उसी पे छिपी हुई होगी। हालेलुया। अब 16वां अध्याय में और बाकी 17वां अध्याय में जो बातें रह गई है, मुख्य रूप से दो लोगों की बातें हैं, उसको हम जरा देखेंगे। अहितोफल, एक का नाम है, दूसरा का नाम है हूशै। अहितोफल और हूशै, ये दोनों लोग उस समय के सबसे जाने माने परामर्शदाता कहलाते थे, सलाहकार। राजा लोगों को किसी किसी सलाहकार की जरूरत है, फैसला काफी लेना पड़ता है, इसलिए इनके परामर्श लेते थे। ये अहितोफल और हूशै, ये दोनों बहुत ही ताकतवर यानी बुद्धिशाली है। राजा दाऊद इन दोनों को बहुत इस्तेमाल करते थे काफी फैसलाओं के लिए। अब ये दोनों अब्सलोम के पास आ गए तो अब्सलोम सोचा अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, पक्का जीतूंगा, मेरा प्लान सब बढ़िया होगा, क्योंकि इन लोग मेरी सलाह मुझे सलाह देने के लिए है। इसलिए इन दोनों के सलाह परामर्श उसने लिया, आगे फैसला लिया। आगे जाकर हम देखते हैं इनका पतन हुआ, मृत्यु हुई, बुरी तरीके से मारे गए। कारण प्रभु से परामर्श नहीं लिया और मनुष्यों पर भरोसा रखा। वचन कहता है
श्रापित है वे लोग जो मनुष्यों पर भरोसा रखते। उदाहरण के लिए यिर्मयाह के अध्याय 17 वचन 5, प्रभु कहता, धिकार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, निरे मनुष्य का सहारा लेता है और उसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। यही कार्य है यहां पर अब्सलोम के साथ हुआ। हृदय प्रभु से विमुख हो गया, निरे मनुष्यों का सहारा लिया, मनुष्य पर भरोसा रखा। ऐसे लोग मरुभूमि के पौधे के सदृश कभी अच्छे दिन नहीं देखता। मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनखरी निर्जन धरती पर रहता है। ऐसा हो गया। और स्तोत्र संज्ञा 146 में वचन 3, ना तो शासकों का भरोसा करो, ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वैसे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का ईश्वर, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यही कार्य, मनुष्यों पर भरोसा रखा। इसलिए अब्सलोम ने अहितोफल के परामर्श को मानते हुए जाकर क्या किया, सबसे पहले अपने पिता दाऊद की उपपत्नियों के साथ बलात्कार किया, वो भी सरेआम, कहां पर, छत के ऊपर, तंबू ताना वहां पर, महल के छत के ऊपर। देखिए इसमें एक भविष्यवाणी पूरी भी हो रही है, वो है दाऊद जब इस तरह पाप किया, नाथान आकर कहा था तुम्हारी पत्नियों के साथ इस तरह भद्र व्यवहार किया जाएगा। देखिए वो चोरी चुपके दाऊद ने जो कार्य किया था, अब सरेआम किया, छत के ऊपर रखकर एक पाप हुआ, यहाँ पर छत के ऊपर बहुत बड़ा पाप हुआ। ये सब जुड़ी हुई बात है, पिता ने जो कार्य चुपके से किया, बेटा अभी खुलेआम किया। पाप पीढ़ियों में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद अहितोफल का परामर्श से बढ़कर हुशै का परामर्श उसने स्वीकार किया, और उसके बाद फिर आगे युद्ध के लिए स्वयं निकला। उस युद्ध में अगले अध्याय 18वां अध्याय में हम देखेंगे उसकी मृत्यु हो रही है, लेकिन इन लोगों की परामर्श इनको विपत्ति की ओर ले गया। जब और उसके बाद स्वयं अहितोफल जाकर क्या किया, वचन 23, जब अहितोफल ने देखा कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया, अब्सलोम ने अहितोफल के सलाह से ज़्यादा हुशै के सलाह को ले लिया, और इसलिए उसने जाकर क्या किया, वो अपना गधा कसकर अपने नगर लौट गया, उसने अपने घर की व्यवस्था की और फांसी लगा ली। देखिए बड़ा सलाहकार था, लेकिन स्वयं अपने जीवन को सही दिशा पर ला नहीं पाया। दूसरों को सलाह देता था, लेकिन खुदकुशी किया जाके। प्रियजनों, कई लोग ऐसे हैं आज, दूसरे लोगों की मदद के लिए सलाह सब देता है, लेकिन अपने जीवन में कोई आदर्श का पालन नहीं कर पाया, जाकर अपने जीवन को वो व्यवस्थित रूप से कर नहीं पाया। जब उसका कारण क्या है, उनके एक परामर्श किसी ने माना नहीं। कितना हल्का आदमी, देखिए बाहर से लोग इनको बड़ा बोलते हैं, इसका परामर्श ईश्वर की वाणी सदृश समझा जाता था, इसका सब परामर्श मूल्यवान समझते थे। ऐसा आदमी जब उनकी एक बात राजा नहीं मानी, तब जाके निराश होकर खुदकुशी किया। देखिए आज भी लोग इस तरह के बड़ी विपत्ति में फंसते हैं, जब उनकी एक बात कोई मानते नहीं है। शायद कोई बच्चा, आजकल कैसे सुनने को मिलते हैं, किसी लोगों ने मोबाइल मांगा और माता पिता नहीं दिया, जाकर खुदकुशी किया। किसी से शादी करना चाहा, लड़की ने इनकार किया, खुदकुशी किया। सेम स्पिरिट है दुष्टात्मा, इसी में काम किया। और जॉर्ज लियो हाइडोक ईशी शास्त्री, उसने कहा इसकी मृत्यु जो है, वचन 23 पे हम लोग अध्याय 17 वचन 23 पे, इसने जाकर खुदकुशी किया। इसमें यूदस नजर आता है, यूदस ने भी इस तरह का कार्य किया, और मृत्यु में और उनके काम में भी। दाऊद के साथ बेईमानी करते हुए अहितोफल यहां पर आ गया अब्सलोम के पास। दाऊद का सबसे अच्छा सलाहकार था,
लेकिन वो इनके साथ किस तरह यूदस ने प्रभु के साथ विश्वासघात किया, इसी तरह इसने भी अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया, बाद में जाकर मर गया। हालेलुया। और होशेई जो है, इनको सलाह तो लिया, परामर्श तो दिया, लेकिन होशेई दाऊद के साथ रिश्ता बनाए रखते थे, उनका स्वामी भक्ति दाऊद के साथ रहा, इसलिए उसने जानबूझकर एक सलाह अब्सलोम को दिया जो उसके लिए विपत्ति का कारण बना। इसलिए प्रियजनों, मनुष्यों पे हमें भरोसा नहीं रखना है, हमारे साथ कौन कैसा कैसा सलाह देता है इसके विषय में हमें सावधान रहना। अनेक लोग दूसरों के सलाह सुनकर जाकर बड़े बड़े विपत्ति में फंस जाते, क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है पहचाने बगैर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं उसके अनुसार जाने से अंत में विपत्ति में फंस सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, पता लगाते रहो कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय है, Ephesians 5:10। प्रभु से पूछना है, प्रभु हमसे बात करेंगे। इसलिए प्रभु के साथ रिश्ता जिनका टूट जाता है, ऐसे लोग मनुष्यों की सलाह मानेंगे, वो मृत्यु की ओर आपको ले जा सकता है। ये संदेश है इसके जीवन से और अब्सलोम के जीवन से हमको मिलते हैं। हालेलुया। अब हम मनन करेंगे स्तोत्र संज्ञा 100, इसका टाइटल है स्तुतिगान। ये टाइटल जो है हिंदी भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया उनका दिया हुआ है, ओरिजिनल टाइटल क्या है जो इब्रानी भाषा में लिखा गया था उस समय वो नीचे लिखा हो, एक स्तोत्र धन्यवाद के लिए, वो ये ओरिजिनल टाइटल धन्यवाद के लिए, साम फॉर थैंक्स के लिए। हालेलुया। 150 स्तोत्र में केवल ये स्तोत्र का टाइटल है धन्यवाद के लिए, दूसरा कोई भी स्तोत्र का टाइटल यानी ओरिजिनल टाइटल धन्यवाद के लिए नहीं मिलता है, केवल यही है। इसकी विशेषता क्या है? दो अर्थ है इसका। एक, जब लिखा गया था उस समय का, इसराइली लोग निर्वासन में चले गए थे बाबुल में, और 70 साल वहां पर रहने के बाद वापस आए। बाबुल के राजा, बाबिलोन के राजा नबुकदनेस्सर इनको लेकर जाने के पहले यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया था, और सभी लोगों को, सभी यरूशलेम निवासियों को, सभी इसराइलियों को लेकर गए। वहां पर वे निर्वासन में रहे, दास दासियां बनकर रहे। 70 साल के बाद प्रभु वापस लेके आया, उसके बाद लोग मंदिर पुनः बनवाया। जब मंदिर फिर से बनाए गए उस समय की गीत है, यानी उस मंदिर में सभी लोग धन्यवाद के लिए आ जाए, सभी इसराइलियों को बुला रहे। स्तोत्र ग्रंथकार सबों का स्वागत करते हैं मंदिर में आकर धन्यवाद देने के लिए। वचन 4, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थाई है, उसने हमारे साथ कितना महान कार्य किया, शत्रु के हाथ से हमको बचाकर वापस लेके आया और हमको फिर से मंदिर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये पहला अर्थ। हालेलुया। दूसरा अर्थ क्या है? हम सभी लोगों के लिए। हम सब कौन है? हम सब प्रभु के लोग हैं, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा है, उसके चरागाह की भेड़े हैं, उसके चरागाह की भेड़े हैं। हालेलुया। और उसने हमको काय के लिए बनाए हैं? इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं है, हमें उसके मंदिर जहाँ पर स्थित है, उसके नगर वहाँ पर जाना है। उसकी नगरी कहाँ है? वचन हमको बताते हैं इब्रानियों के अध्याय 13:14, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाला होठों का फल निरंतर छटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई घर नहीं है, हम सब यहाँ पर परदेशी है, हम स्वर्ग की ओर दृष्टि लगा कर बैठे हैं, हम वहाँ की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर हमें कैसे जाना है
हमें धन्यवाद का गीत बराबर गाते हुए जाना, इसलिए भजन गाते हुए उसके प्रांगण में जाए। आज हमसे प्रभु कहते हैं, आपको इस धरती पर रहते समय क्या करना है? स्वर्ग को लक्ष्य बनाना है। वास्तव में हमारा एक ही जगह है, एक ही शहर है, हमारा नगर है, हमारा वासस्थान जो है वहाँ है। यहाँ पर स्थाई घर नहीं है, यहाँ पक्के मकान बनाकर रहने वाले नहीं है हम। आज नहीं तो कल हमको जाना है, इसलिए हमको उसके प्रांगण में जाना है। इसलिए आज से हमको क्या करना है? स्तुति करो, धन्यवाद का बलिदान, स्तुति का बलिदान निरंतर चढ़ाते जाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा नाम लिखा गया है, हम वहां के नागरिक है, हमारा हमारा फेलोशिप और हमारा सिटीजनशिप सब वहाँ है। ये आशा हमारे पास है, धरती पर जितना दुख है थोड़े दिनों का है, हम सभी लोगों को वहाँ पर एक जगह मिलेगा, अनंत काल तक हम प्रभु के साथ निवास करेंगे। ये आशा हमको आनंदित बनाए रखेंगे। इसलिए हम लोग कैसे यहाँ पर सेवा करेंगे? वचन दो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करेंगे, उल्लास के गीत गाते हुए हमको उसके सामने उपस्थित होना है। इसलिए आनंद को कैसे हम लोग प्रकट करते हैं? स्तुति में। आनंद का सबसे सुंदर प्रकटन है स्तुति आराधना। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले हर एक प्रभु भक्त को ये मालूम होना चाहिए, हम उसकी प्रजा है, उसने हमको बनाया, उसने हमको उनके साथ रहने के लिए, उसी के हम उसी के साथ रहने के लिए बुलाए हैं। धरती पर हमको हमेशा रहना नहीं है, हमको स्वर्ग जाना। ये आशा हमको आनंदित बनाए रखेंगे। ये आनंद जिसके हृदय में है वे सब लोग स्तुति करेंगे। आशा आपको आनंदित बनाए रखेंगे। इसलिए प्रभु की दिए हुए ये आशा, ये वायदा, प्रभु ने जो वादा किया, मैं आऊँगा तुमको लेकर जाऊँगा, इसलिए हम लोग ये आशा रखते हैं कि प्रभु से हम मिलेंगे, हम अनंत काल तक उनके साथ रहेंगे। ये आशा हमें आनंदित बनाए रखेंगे। इस आनंद में हम लोग यहाँ पर सेवा करेंगे। वो सेवा की सबसे बड़ी विशेषता बराबर स्तुति धन्यवाद। इसलिए आप सभी बातों में ईश्वर को धन्यवाद देना, यही आपके बारे में ईसा मसीहा में, ईसा मसीहा के अनुसार ईश्वर की इच्छा है। थसलोनिकियों नाम पहला पत्र अध्याय 5:16 में आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि आपके बारे में ईसा मसीहा के अनुसार ईश्वर की इच्छा यही है। ये इच्छा स्तोत्र संख्या 100 में प्रभु हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 9 पर जरा मनन करेंगे। 8वां अध्याय में हमने देखा संत पौलुस कहता है हमें किसी के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना, उनके विश्वास में बाधा हमको नहीं डालना है। यहां तक कि वो कहता है मेरा मांस खाने के कारण किसी को चोट लगता है तो मैं मांस खाना भी बंद करूंगा। उसके मन में एक बात है कि मैं कुछ भी करूं जिससे आप लोगों के विश्वास बढ़ते जाए ना घटे। 9वां अध्याय में वो कहता है प्रेरित होने के नाते मेरे काफी अधिकार है, उदाहरण के लिए मैं आपकी सेवा करता हूँ, वचन सुनाता हूँ और आपके बीच में आध्यात्मिक बीज बोता हूँ, तो क्या मैं आपसे भौतिक फसल की आशा करना कोई बड़ी बात है? मतलब मैं आपसे संपत्ति तो पा सकता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कार्य करता हूँ, तो आपसे मेरे जीवन के लिए जितनी जरूरी बातें हैं मैं आपसे मांग सकता हूँ, इसका अधिकार है। सुसमाचार सुनाने वालों को, जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, उनसे कुछ संपत्ति पाने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का मैं इस्तेमाल नहीं करता। और वो उदाहरण देता है, क्या एक कभी सुनने में आया कि कोई अपने खर्चे से सेना में सेवा करता है? वचन 7, कौन दागबारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन झुंड चराकर उस झुंड का दूध नहीं पीता? और ये मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही नहीं कह रहा हूँ, संहिता भी यही कहती है, इसलिए संहिता की बात भी आगे वचन 9 में सपड़ते। उसके बावजूद वो कहता है लेकिन मैं मेरा इस अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। कारण इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करता है? हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा
ना डालना चाहता है कि किसी को ये देखकर बुरा लगे, लो पैसा के लिए कार्य करता है, ऐसा कोई ना बोले। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं, जाकर मेहनत करता था। संत पौलुस किसी से पैसा नहीं लेता था अपने लिए, बल्कि अपने सारे कार्य के लिए वो मेहनत करता था, तंबू बनाता था वो। प्रचार कार्य के बीच में समय लगाकर जाकर तंबू बना बना कर पैसा कमाता था और उससे चलता था। हालेलुया, इसलिए बहुत मेहनत करता था। हालेलुया, इसलिए क्या आप लोग ये नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर से भोजन मिलता है और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार है? इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाए, परंतु मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया और ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊँ किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया, अधिकार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूँ। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि मैं ये सब पैसा के लिए करता हूँ। मैं सुसमाचार इसलिए सुनाता हूँ, मुझे ऐसा करने का आदेश प्रभु ने दिया। अगर मैं नहीं करता, अधिकार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। इसलिए वो अपने पर दोष लगाने के लिए किसी को मौका नहीं देता है। इसलिए पैसा के प्रति कभी भी लालच नहीं रखता, लगाव नहीं रखता और अपना अधिकार होने के बावजूद उसको इस्तेमाल नहीं करता, जिससे किसी न किसी रीति से आदमी को बचाए। आत्माओं को बचाने के लिए मैं ये सारा कष्ट उठाता हूँ। और आगे वो कहता है वचन 22, मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। एकमात्र आग्रह कि मेरे द्वारा किसी न किसी रीति से आत्माओं की मुक्ति हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी सहूंगा। हाँ, आगे 23, ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। इसलिए आत्माओं को बचाने की सेवा कार्य प्रभु ने सौंपा है, इसको करते हुए मैं भी उसकी कृपा का भागी बन जाऊं। और ये आसान कार्य नहीं है। आगे संत पौलुस कहता है 24 से लेकर वचन में, क्या आप ये नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं लेकिन पुरस्कार एक को ही मिलता है? और इसलिए सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं, वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग अनश्वर मुकुट पाने के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मुझे मालूम है कहाँ पर मुक्का मारना, मुझे मालूम है मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्यों दौड़ रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं उपवास क्यों कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं सुख सुविधाओं को क्यों छोड़ रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं शादी क्यों नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, इसका मतलब मैं यूं ही ऐसा नहीं करता हूँ। हवा में मुक्का मारने वाला मुक्केबाज मैं नहीं हूँ, एक लक्ष्य है मेरा। इसलिए वो क्या करता है, वचन 27, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ, वश में रखता हूँ, कि ऐसा ना हो दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं में ही टुकरा दिया जाऊं। प्रियजनों, एक बहुत सुंदर वचन कि इतने बड़े संत होने के बावजूद वो क्या कहता है, तीसरे स्वर्ग तक उठाए जाने वाला लेकिन कहता मैं शरीर को कष्ट देता हूं। इसका मतलब ये जो कार्य आसानी में मिलने वाला कार्य, इतने बड़े चुने हुए आदमी को भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कष्ट उठाना पड़ता था, त्याग तपस्या का जीवन बिताता था, शरीर को सताता था, जागरण करता था, उपवास किया करता था, हाथ उठाकर प्रार्थना करता था। इसलिए वचन कहता है पवित्रता की साधना किया कर, जिसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। ये पवित्रता आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, मेहनत करना पड़ता, साधना करना पड़ता। इसलिए हम सभी लोगों को संत पौलुस ये प्रेरणा देते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आलसीपन को नहीं ला, आध्यात्मिक जीवन में मेहनत, त्याग, तपस्या ये सब आध्यात्मिकता की हिस्सा है। अपने धर्म को कभी हल्का नहीं लेना। जैसे ये आदमी अपने धर्म को कितना सीरियसली लेता है,
हमको भी वो चेता हमको भी ये प्रेरणा देता है, अपने आध्यात्मिक जीवन को सीरियस ले लीजिए। हालेलुया, प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।